एवरीवन, माय नेम इज हबीबा। टुडे आई एम नरेट शेखी बास मक्खी। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ थीम यह है कि अहंकार करना अच्छा नहीं होता, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तोड़ गई, कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी के फिर से पंजा मारा और मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता मारता खुद घायल हो गया और परेशान हो गया, मक्खी तो फट से उड़ गई। अंत में शेर उब गया, थक भी गया और बोला, अरे मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा, बहस करना तो समय बर्बाद करना है। हाथी के सूंड ऊपर उठाया और मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही थी चालाक लोमड़ी, वो सारी चीज देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और बड़े से हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, वो मकड़ी दिखाई दे रही है, वो आपको गाली दे रही थी और मजाक भी उड़ा रही थी, उसकी जरा खबर लेना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते ही मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती, वो त्यों त्यों और भी अधिक फंसती जाती। अंत में वो थक गई और हार भी गई। यह देखकर चालाक लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई और हा हा हा, फंस गई ना, जाल में बड़ी चालाक बनती थी। मक्खी ऐसे ही जाल में फंसकर मर गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार और घमंड से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।